about to turn it up. वेलकम बैक यार, एक और नए ब्लॉग में फजा तुम्हारे लिए लेके आगे एक और नई वीडियो। आज का सीन ये, ईद वगैरह की नमाज पढ़ ली हमने, चौधरी ने भी और मैंने भी, और अब हम लोग ना गोश्त लेने जा रहे हैं। मुझे कहा है कि मैंने कुछ चीजें लेनी है, कोई गोश्त वगैरह देना है, तो इसने वो दूसरे कपड़े चेंज कर लिए और मैंने वही पहने हुए। चल मैं बताता हूँ, तेरी आवाज उन्हें सही नहीं जाती। ये कह रहा है कि मैं इसके घर गई, मैंने दरवाजा बजाया, मैंने कहा चौधरी कीमा करवाना, बाजार से चलते हैं। हालांकि मैंने जाना था गाँव गोश्त लेने, क्योंकि हमारी कुर्बानी वहाँ होती है, तो गोश्त लेने जा रहा था। चौधरी को सिर्फ घर से ये मैंने क्या के उठाया कि हम बाजार जा रहे हैं, और चौधरी साहब अभी इस हालत में। चौधरी पीछे जरा कपड़े दिखा, पीछे 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 थोड़ा सा और पीछे, और ये मुझे इसी हालत मिले है, और इतना ही डस्ट है रास्ते। ओ कोई नहीं, इतना तो कतरीना कैफ कह रहा है। और फिलहाल ना पुल अभी क्रॉस कर लिए, विक्टोरिया ब्रिज जिसे हम कहते हैं वो क्रॉस करके हम लोग यहाँ आ गए। मैंने कहा यहाँ से वीडियो अपनी स्टार्ट कर देते हैं, वो छलियों की बोरियाँ पड़ी हुई और मेरी नीयत इस पर ख़राब हो रही है। लेकिन चौधरी साहब ये चोरी चोरी होती है, ये चोरी तमीज़ ही कोई नहीं है। और ये जो है ना इड्डे बड़े बड़े चुप कर रहे हैं, फिर लाल नहीं जा रहे। मैंने पैप, मैं पता है उधर क्यों जा रहा हूँ तुम्हें, ये पैप दिखाने, ये गैस लाइन पैप हैं, और ये बहुत मोटे पैप हैं, ये बहुत बड़े पैप हैं। वो चौधरी को कीड़ी लग गई है जो, बस ठीक है ना, देख लिया सही है। आज चलते हैं आप ना डेरे पे जाके वीडियो बनाएंगे। और इस मौसम बहुत अच्छा, मौसम यार क्या चस्क रहा है, लेवल का मौसम है। सुबह बारिश हुई है, उसके बाद बस बन गई है, उसके बाद फिर बारिश हुई है, फिर बस बन गई है, उसके बाद हमारा चौधरी पैदा हो गया था। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं गाँव, चपले कम मारे, चबले मारेंगे तभी लोग हंसेंगे ना। ईद है ना आज, तो यार रास्ते में हम जा रहे थे तो हमें ये जवान मिल गया, इनका हो गया था पेट्रोल ख़त्म है। तो मैं अब जो है ना अपनी टांग पूरी स्पोर्ट दे के ना टांग इनके मोटरसाइकिल के पीछे इनको लगा रहा हूँ आगे की तरफ धक्का, ये देख लो। क्योंकि तुम्हें पता है यार आजकल ना हालात पेट्रोल के बहुत संगीन हो चुके हैं, यकीन करो पेट्रोल पूरा करना बहुत मुश्किल है, और मौसम हो रहा ख़राब। मुझे जहाँ तक लगता है ना बहुत ज़्यादा हैवी वाली ना बारिश आने वाली है, लेकिन ना आए तो बेहतर है, क्योंकि अभी हमारा सफ़र बिल्कुल शुरू है और आधा घंटा और लगना। भाई तू क्यों बार बार कैमरे की तरफ देख रहा है, तू आगे देख, तेरा काम ही नहीं इस चीज़ के साथ। ओए होए होए होए, लो जी यार फिलहाल बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, ठीक है। ये देख लो चौधरी की हालत ये है, और मेरी जो हालत थी ना, चौधरी मोबाइल पकड़े एक मिनट, पकड़ पकड़ पकड़, भाई वाटर प्रूफ है मोबाइल, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये देख लो लाज जो है ना, इधर लाइटर 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 ला, ठीक है। मोबाइल फिलहाल जो भी है यार शापर में थोड़ा डालने लगे, सेफ्टी मॉल पक्का करना है। और मौसम जो है वो बहुत यानी कि लबी सीनी सा हो रहा है यार मौसम, तो अब इन कठिन हालात का मुकाबला करते हुए हम जाएंगे डेरे पे, और वहाँ पर बात मुन हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है साहब। इस वक्त हालात जो है वो बहुत सख्त खराब है, अगर मेरा कैमरा मैन थोड़ा और पास ला सके, पास लाए पास लाए। इस वक्त जो परिस्थिति है, क्या बोला तूने, जो परिस्थिति है वो हमारे हालात हाथ से बिल्कुल बाहर निकल चुकी है, और हालात बहुत संगीन है। हालात इतने संगीन है, आगान बहुत सख्त संगीन है, बारिश बहुत तेज हो रही है, और कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हालात अब हमारे काबू में नहीं है यार। मौसम बहुत सख्त खराब है, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, चौधरी सारा नजर आ रहा है अंदर बाहर से। इस वक्त हमने यार इस डारे के नीचे पनाह ली हुई है, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, चाहिए साहब ने वो दिखाओ सारा माहौल, ये देखें हालत ऐसी क्या, क्योंकि बारिश हो रही है। आज ये डारा है जिसके नीचे हम, और हम मैंने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं कि हर चीज नजर आ रही है। भाई हालात बहुत सख्त टाइट है, ठीक है। इस वक्त परिस्थिति पे हम काबू करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा, नहीं रहा। तो फिलहाल के लिए वीडियो बंद करो यार, बंद करो, बंद करो। सर हमारे पहुंचने तक सीन हो गया थोड़ा लेट, क्योंकि कुर्बानी वगैरह हो गई है, और मैं बहुत सैड हूँ, क्योंकि यार कुर्बानी दिखानी थी मैंने होते हुए, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो गए, तो उन्होंने कुर्बानी शुरबानी मुका दी अपनी। ये सामने सीन देख लो ऐसे बने हैं, वो डेरा है, ये चीज़ साहब जो है ना देखें गोश्त अपने हिस्से का उठा के ला रहे हैं, और अभी जो है ना अंदर बनी हुई है कलेजी, वो खानी है, ऐसे तो बात नहीं है ना। फिर चाहिए सब खाएंगे, आप खाएंगे, चलो आप खाते हैं फिर। ये कलेजी का ऑर्डर मैंने घर से निकलते हुए दे दिया था, क्योंकि मुझे कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये गांव के माहौल में जो कच्ची आंटी में बनती है ना कलेजी, आए हाय हाय, ये तरसी हुई निगाहें देखो, खा खा चुप करके, आए हाय।
लो जी फिलहाल कलेजी वगैरह खा ली है, छा चावल बने हुए थे वो खाए, स्वाद आ गया, यानी कि भूख बहुत हैवी लगी थी, अभी घर भी जाके कुछ ना कुछ मिलेगा हमें, थोड़ा भूख रख के इसलिए मैंने खाई है। जी चौधरी को ना कोई बहुत सख्त मिस कर रहा है। कौन मिस कर रहा है ये जी? नहीं नहीं, नहीं कौन मिस कर रहा है? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो कि हम निकल आए बाहर, अब हम जाने लगे हैं वापस, वापस वगैरह हम ले लिए। अच्छा बस यही है, बस एक बोरी, बस भैंस के करवाने थे टुकड़े तीन चार, वो बोरी में ही डाल देने सीधा। तो यार निकलते हैं, क्या है वे उस हिसाब से बनता वो ही था यार, ये देखे जितनी बोरी है उतनी छापर है। शापर जो है वो बोरी जितनी ही है, लेकिन पैक कर सही कर, ना फोल्ड कर दे गोश्त खराब हो जाता है। फिलहाल हम निकलते हैं क्योंकि बारिश फिर से शुरू होने वाली है, तो आते हुए भी हम गीले हुए हैं, ये ना जाते हुए भी हम गीले हुए, इसलिए फ़ौरन से निकलते हैं घर जाके। चौधरी मुझे लगता है कबाब मान रहे हैं, बारिश इधर भी शुरू होगी, चले चले आए जल्दी जल्दी जल्दी, चल 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 बैठ बैठ बैठ। एडवेंचर पे एडवेंचर हो रहा है चौधरी साहब की, जो पीछे सारी कमीज गंदी होगी खून ला के, और मोटरसाइकिल जो है वो भी ख़राब हो गया। ये सब क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट। यार इस बेचारे ने ना गोश्त पकड़ा हुआ था, वो सारा खून जो है ऐसे कपड़ों के साथ लग गया, और जितनी ज़्यादा मैं जल्दी थी ना उतना सुकून हो गया, क्योंकि बाइक जो है वो हो चुका है पंचर, और वो जो है ना भाई वो आप लगा रहे हैं पंचर, तो बस यही दुआ कि ट्यूब फटी ना हो। अगर ट्यूब फट गई हुई फिर जी साहब, अगर ट्यूब फट गई हुई है फट गई समझे हमारी। भाई सही बात है, घर पहुंच गए और ना मुझे आ रहे चक्कर, सारा दिन जलील हुआ एक किस्म का, ठीक है, और रात वैसे नहीं आराम किया था तो सीन थोड़ा सा खराब हुआ, लेकिन कोई बात नहीं यार, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी गोश्त ले आए हैं, अब गोश्त देना भी है भाई, घरों में जाके देना है, उसके बाद फिर आना है, उसके बाद फिर खाना मिलना, मेरे ख्याल का कोई कबाब वगैरह बनाना है, क्योंकि कीमा करवा के ले आए हैं, कोई थोड़ा बहुत अभी करवाना है। तो यार ईद जो हम लड़कों की होती है ना, वैसे काम करते करते इधर से उधर गुजर जाती है, हमें खुद भी नहीं पता लगता, बल्कि अच्छा खासा महसूस होता है, ठीक है, अच्छा खासा पता लगता है। हाय मीता थागी सही बात है, अभी जाना है यार, अभी बाजार भी जाना है, ठीक है, एक दो काम है वो भी करने हैं, चीज़ें लेने वाली हैं, मसाले वगैरह कुछ लेने हैं वो लेने हैं, लेकिन यार मज़ा भी आता है ना, फिर देखो मज़े मज़े के खाने भी हम लोग खाते हैं, फिर ईद होती है, फिर ईद के मौके पर ये सारा कुछ करता रहता है, और ईद के दिनों में नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा काम होता है, यानी कि नॉर्मल दिन फिर भी ठीक होते हैं, ईद वाले ईद बच्चों की है भाई, हमारी कोई ईद नहीं है, ठीक है, हमारे ये है कि जलील हो, काम करो, भागो दौड़ो, खैर कोई बात नहीं यार, हमने भी अपने टाइम में इंजॉय किया, 10-10 रुपए वाली वो रंग बिरंगी एनकें पहनी है, ईद पे चाट खाई है, इंजॉय किया अपना टाइम यार, बेहतरीन इंजॉय किया। अब फिलहाल काम वगैरह वाला टाइम आ चुका है, थोड़ा जलील होने वाला, तो अब ये भी फुल इंजॉय करते हैं, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, शाबाश चौधरी यार। इसी के साथ फिलहाल कहता हूँ कि काम वगैरह मैं करता हूँ, निकलता हूँ, रूटीन को देखता हूँ, तुम लोगों से चाहता हूँ इजाज़त, तुम मुझे दो इजाज़त यार, बल्कि तुम मुझे दो इजाज़त, मैं निकलता हूँ फिलहाल, मिलूँगा तुमको कल एक नई वीडियो, नए जज्बे, नए कहानी, नई जस्तजू, कोई नई चीज़ के साथ, फिलहाल के लिए फाजा होता फरार, मिलता है तुमको मेरी जान।